Hello everyone, this question appears in class 6th NCERT chapter of data handling. This is third question of its exercise 9.3. So the question says that observe this bar graph which shows the marks obtained by Aziz in half yearly examination in different subjects. Answer the given questions. तुमसे ए पार्ट फाइंड आउट करना है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ गिव्स। तो यहां हो जाएगा हमारा बार ग्राफ शोज। अब यहां क्या दिख रहा है हमें, मार्क्स ऑफ अजीज इन डिफरेंट सब्जेक्ट। अजीज के मार्क्स गिवन है वो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो यही लिखेंगे हम, बार ग्राफ शोज मार्क्स scored by Aziz in different subjects। B part हो जाएगा हमारा, name the subject in which Aziz scored maximum marks। तो maximum marks हमारे पास यही मिले हैं, तो ये स्कोर है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा हिंदी। सी पार्ट है, नेम द सब्जेक्ट इन विच ही हैज स्कोर्ड मिनिमम मार्क्स। तो मिनिमम मार्क्स हमारे इसमें है 40, तो हो जाएगा हमारा सोशल स्टडीज। स्टेट द नेम ऑफ सब्जेक्ट एंड मार्क्स ऑब्टेंड इन ईच ऑफ देम। तो हम पहले सब में मैच कर लेंगे कि हमने किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं बाय बार ग्राफ। सो हिंदी में है 80, इंग्लिश में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं हमारे पास 60, एंड मैथमेटिक्स में हमने ऑब्टेन किए हैं 70, एंड साइंस में ऑब्टेन किए हमने अजीज ने 50, एंड सोशल स्टडीज में ऑब्टेन किए हैं अजीज ने 40। दैट्स आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।